महोबा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रवासी मजदूरों के लिए देवदूत साबित हो रहे हैं और वास्तव में ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। जिले में समाजवादी पार्टी द्वारा लगातार मजदूरों एवं गरीबों ऐसा है लोगों की मदद की जा रही है। समाजवादी पार्टी जनपद महोबा के जिलाध्यक्ष प्राण सिंह यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दिशा निर्देश पर जनपद महोबा के बागरोनी बॉर्डर व देवरी घाट के पास प्रवासी मजदूरों को रोक रोक कर खाने के डिब्बे व पानी के पाउच वितरण किए। पूर्व हमीरपुर महोबा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष पुष्पेंद्र यादव ने कहा कि मानव सेवा ही बड़ी धर्म है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरी मशक्कत के साथ प्रवासी मजदूरों की सेवा की जा रही है। वरिष्ठ नेता भागीरथ यादव प्रदेश महासचिव ने कहा, समाजवादी पार्टी कोई दिखावा नहीं करती, पार्टी में कोई भेदभाव कोई अंतर नहीं है, जो कहते हैं वही करते हैं, वर्तमान सरकार की तरह दिखावा नहीं करते। समाजवादी की पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ साथ सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? बिंदु कुमार नाम सर। कहाँ से आए हैं? मुरैना सर। मुरैना से आए? हाँ सर। कहाँ जाएंगे? जाना सर बांदा है। तो अभी आप जो पैदल चले आ रहे हैं, कोई रास्ते में आपको कोई वाहन सुविधा नहीं मिली सरकार की तरफ? जो पूरी पुलिस वाली मिलती सर, तो कुदरत पहुँचाते थे, बाकी पैदल चल के आए। पैदल चल के आए? हाँ सर। कितने लोग आपके साथ में? हम 12 लोग सर। अच्छा, अभी रास्ते में आपको खाने पीने की कोई व्यवस्था मिली है? साहब रोके यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था कराए साहब ने तो। अच्छा, यहाँ पर किया है? बाकी रास्ते में? रास्ते में जो मिलते हैं पुलिस वाले वही कराते थे रास्ते में। सर, आप लोग यहाँ पर बगरोनी बॉर्डर पर आज किस काम से आए? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि नर सेवा नारायण सेवा जी। हम लोग जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है जी, उसी दिन से लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों पर काम कर रहे हैं। गरीब मजदूर प्रवासी जो इतने लोग लॉकडाउन में इस समय फंसे हुए हैं, उनको खाना पीना की सारी व्यवस्थाएं हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश दिशा निर्देशन कम कर रहे हैं। इसी उसमें हम आज बगरोनी बॉर्डर पे UPMP बॉर्डर पे जितने भी प्रवासी मजदूर पैदल बस या किसी भी वाहन से निकल रहे हैं, उनको लंच पैकेट पानी खाने आने की व्यवस्था हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सर, आप सभी संगठन के कार्यकर्ता आज इस यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर? क्या कौन सा कार्यक्रम चल रहा है सर? इंसान की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, ये सोच है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की, जिन्होंने कहा कि इंसान की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। आज पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी के वजह से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है, और ऐसे समय में जहां उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का मजदूर दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसको ना खाने का इंतजाम है, ना पीने का इंतजाम है, ना चलने का इंतजाम है, और सैकड़ों किलोमीटर से पैदल चल करके वो अपने गंतव्य अपने घर की ओर प्रस्थान किया, जिस तरीके से उसने और जा करके घर पर पहुँचा है, वो ये बात पूरे देश में पूरी दुनिया में किसी से छुपी नहीं है। और उनकी क्या पीड़ा थी, किस कष्ट में वो जा करके पूरा रास्ता अपना सफ़र तय कर रहे हैं, भूखे प्यासे बेचारे, यहाँ तक कि जो गर्भवती हमारी बहनें थीं उनको रास्ते में ही प्रसव हुआ। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखा कि खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं, चलने की व्यवस्था नहीं, तो इसी सोच के तहत तो उन्होंने आदेश दिया, निर्देश दिया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे और जहाँ भी जो भी मजदूर मिलेगा पैदल चलते हुए या किसी साधन से जाते हुए उनके खाने पीने का इंतजाम करेंगे। तो आज सभी हम लोग यहाँ पर महोबा समाजवादी पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी से लेकर के यूथ के हमारे अध्यक्ष हैं और हमारे सभी जितने भी यहाँ नेता हैं, सब लोग इकट्ठे होकर के हम लोग आए हैं, और आने के बाद यहाँ पर जितने मजदूर आ रहे हैं उन लोगों को खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है, उनको पानी का पाउच देने का इंतजाम किया जा रहा है, इस तरीके से यहाँ से कोई भी आदमी भूखा ना निकल पाए, ये हम सब लोगों का उद्देश्य है।